उज्जैन में शहर कांग्रेस महामंत्री और हरियाणा के पूर्व नगर अध्यक्ष ने कांग्रेस की हार को लेकर मुंडन कराया है। उज्जैन में शहर कांग्रेस के महामंत्री धर्मेंद्र भटनागर ने कांग्रेस के केंद्र में सरकार नहीं बनने व लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार होने पर शुक्रवार को मुंडन करवा लिया है। उन्होंने घोषणा की थी कि यदि कांग्रेस की सरकार नहीं बने तो मैं मुंडन करवा लूंगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के अलावा मीडिया को भी यह बात कही थी। वहीं राजगढ़ जिले के हराना गांव में कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष बापूलाल सेन ने चुनाव परिणाम आने के अगले दिन शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे ग्रामीणों की मौजूदगी में मुंडन करा लिया। उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि वे गांव के ही भाजपा कार्यकर्ता रामबाबू मंडलोई से चुनाव परिणामों को लेकर लगाई शर्त हार चुके हैं। दरअसल एग्जिट पोल के बाद गाँव में इन दो लोगों में शर्त लगी थी। रामबाबू का दावा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसा नहीं हुआ तो वे सिर मुंडवा लेंगे। वही बापूलाल का कहना था कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने तो वे मुंडन करा लेंगे। गुरुवार को आए परिणामों के बाद बापूलाल ने मुंडन कराया।